खबर आगरा से जहां पर मुखबिर की सूचना पर ड्रग विभाग ने भारी मात्रा में नकली और नशीली दवाएं पकड़ी हैं। साथ में पकड़ी गई दवाओं को आगरा से लाया गया था। टीम ने दवाई के साथ में 3 तस्करों को भी पकड़ा है और नकली और नशीली दवाओं को आगरा से रोडवेज की बस से मुरादाबाद में लेकर जाया जा रहा था। इसके बाद दवाओं की इस खेप को तस्कर ई रिक्शा में डाल करके लेकर जा रहे थे। टीम ने एक ई रिक्शा और एक स्कूटी भी पकड़ी है। तीनों तस्करों को ड्रग्स विभाग की टीम ने कटघर पुलिस को सौंप दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले जनपद के अलग अलग इलाकों में करोड़ों की नकली दवाइयां पकड़ी जा चुकी हैं। बावजूद इसके ये कुरक धंधा बदस्तूर जारी है, जिसमें स्थानीय पुलिस और ड्रग्स डिपार्टमेंट की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये आगरा से बस द्वारा आ रहा था और आगरा से ही हमको सूचना मिली थी कि बस के अंदर भारी मात्रा में अवैध औषधियाँ, जिसके अंदर आपका गवर्नमेंट सप्लाई भी है, ESI सप्लाई है, NPP सप्लाई है, नारकोटिक्स भारी मात्रा में है और आपका फिजिशियन सैंपल है, ये बरामद हुआ है। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बस का कंडक्टर ड्राइवर बस लेकर भाग गए थे। इनके विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और इनके द्वारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क होने की संभावना है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।